almost 170. This is nice. नाउ टाटा पंच को लेके एक बड़ा सवाल है काफ़ी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कि इस गाड़ी का जो इंजन है बिफोर ड्राइविंग द कार विदाउट इवन ड्राइविंग द कार काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसका जो इंजन है 1.2 नॉन टर्बो पेट्रोल वो इस गाड़ी के लिए वीक है, पावरफुल नहीं है, गाड़ी चलाने के अंदर अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है. वेल आई थॉट ऑफ शैटरिंग दिस मिथ और नोशन और अ डाउट जो लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है. इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा परफॉर्मेंस रन्स इन द मैनुअल पेट्रोल. सेम इंजन है जो आता है टियागो और टिगोर के अंदर. कुछ लोगों का ये मानना था कि शायद टर्बो आएगा, इवन आई थॉट अभी नहीं आ रहा है. सो इन दी नॉर्मल स्टेट 1.2 थ्री सिलेंडर नॉन टर्बो इंजन डज इट हैव एम्पल पोक टू गिव इट अ गुड परफॉर्मेंस रन एंड टॉप स्पीड. वेल वो प्रूव करूंगा इस वीडियो के अंदर. मल्टीपल डिवाइसेस मैं यूज़ करूंगा, जो GoPro भी इस पर मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर एक GPS कनेक्शन होता है. आई इंश्योर कि वो ऑन रहे. मेरे पास एक GPS डिवाइस है, ड्रैगी ऐप है, उससे भी करूँगा एंड ऑफकोर्स स्पीडोमीटर आप देख पाएंगे. सो शुरू करते हैं. आई डू द टॉप स्पीड रन फर्स्ट गियर में, सेकेंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में, फिफ्थ गियर के अंदर. और उसके बाद मैं करूँगा इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट 0-60, 0-100. AC बंद रहेगा, सिटी मोड में रहूँगा. मैं गाड़ी के अंदर अकेला हूँ. आई वे ओवर 100 kg. तो टाटा मोटर्स ने कुछ फिगर्स निकाले थे मार्केट के अंदर 0-60, 100 वाले, बट फिर भी लोग ये सोचते हैं कि शायद वीक इंजन है. ऐसा नहीं है, प्रूफ करता हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर. ऑलराइट गाइस, सो आई टोल्ड यू आई विल बी कैप्चरिंग द स्पीड इन 3 डिफरेंट वेज. एक तो ऑफकोर्स ऑन द स्पीडोमीटर राइट ओवर हियर. सेकेंड, जो मैं शूट कर रहा हूँ GoPro से, तो उसके अंदर भी GPS की ऑप्शन होती है. आई होप इट्स वर्किंग. एंड थर्ड इज अ वेरी वेरीफाइड वे ऑफ डूइंग इज थ्रू दिस ड्रैगी ऐप. ये एक GPS परफॉर्मेंस डिवाइस है, इसको मैं रखता हूँ इन द कप होल्डर एंड यहाँ पे रीडिंग्स आएंगी इन टर्म्स ऑफ स्पीड 0-20, 40, 60, 80, वो सब यहाँ पे कैप्चर होता है. इसको मैं करता हूँ रीसेट. आई विल कीप माय फोन असाइड एंड आई विल बी इन द नॉर्मल ड्राइव मोड. इसके अंदर कुछ स्पोर्ट मोड की ऑप्शन तो आती नहीं है, या तो आती है इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो हम नॉर्मल सिटी में रहेंगे. एंड I'll start with the speeds in each gear. So, शुरू करते हैं. We'll remain in the left lane and here we go. First gear, speed coming up. The speedometer पे है 45, 6200 RPM के आसपास first gear. And जो actual GPS पे आएगा वो मैं video के अंदर डाल दूंगा after having a look at it. Second gear में जा रही है again 85. And third gear में है, we'll come to the right lane. Third gear is 129, pretty long gear. 129 on the speedometer in the third gear. Now we'll try to experiment with the fourth gear. Have a look if the Draghi app is working fine or not. Yeah, so the figures are coming. These are not the acceleration figures. मैं तो अभी top speed run कर रहा हूँ, तो figures आ रहे हैं. Everything should be fine. Top speed कितनी hit हुई थी? I think you can see 154 on the Draghi app right over here. 154 वहाँ पे 161 गई थी. सो नॉट अ ह्यूज एरर एंड फॉर अ नेचुरली एस्पिरेटेड ये काफ़ी अच्छा है. पांचवा गियर भी हम करेंगे. आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस. परफेक्टली फाइन 154 आई है. सो इसको करेंगे रीसेट एंड या लेट्स ट्राई वंस मोर. इस बारी मैं AC बंद कर दूंगा जो भूल गया था.
ऑल्दो उससे एक्सलरेशन पे फर्क पड़ता है, टॉप स्पीड पे इतना फर्क पड़ता नहीं है, बट आई विल स्टिल स्विच ऑफ द एसी. सीमेंटेड रोड है तो थोड़ी रोड नॉइज अंदर डेफिनेटली आएगी हाई स्पीड पे, सो प्लीज इग्नोर दैट. ओके, एसी इज ऑफ, फोर्थ गियर. It gets to 120-ish very quickly, which is a good thing for the segment, for the price. It is a heavy car and जो आपके questions थे कि गाड़ी कितना भागती है, weak रहेगी, performance नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. 150 plus. So I am in the fifth gear now. Let's see if this gets us to any higher speed. या ये एक overdrive gear है, देखते हैं. Car is pretty much stable, not very, but yeah, pretty much stable. नहीं, 500 पे नहीं जा रही है. I'm still under. अब 155 पे हूँ, मैं काम करता हूँ. Go to the fourth gear. ये common रहता है, कई बार ये 5वें gear में top speed नहीं आती है. And fourth में, yes, it's pulling. It's pulling. We are at 160 now. 161. Actual speed क्या है? मैं ड्रैगी आपसे देख के आपको बता दूंगा. Pretty much stable. बीच में bumps आए थे. Easy. So 166. Almost 170. Almost 170. This is nice. 170 for a heavy subcompact SUV is definitely nice. 170 guys. चौथे गियर में टॉप स्पीड ऑफ द पंच एक्सक्लूसिव फॉर इंडिया. बम्प्स कमिंग अप. ओहो, स्टेबल स्टेबल स्टेबल. आई एम इम्प्रेस्ड, डेफिनेटली इम्प्रेस्ड, डेफिनेटली इम्प्रेस्ड. 161 was the genuine speed. 160 genuine GPS wali speed. 170 the speedometer, guys. Superb. Abhi break lenge and then I'll do the 0 to 100 runs for you. Wow. 161. I think you can see right away 161 on the speedometer. Sorry, GPS. Superb, superb. सो आफ्टर द टॉप स्पीड रन इसका परफॉर्मेंस रन करते हैं. आई पुट ऑफ द एसी, नॉर्मल सिटी मोड में रहूंगा, इको में नहीं रहूंगा. एंड देखते हैं कितना करती है 0 to 60 100 में. जस्ट अ हिंट ऑफ व्हील स्पिन, ज्यादा व्हील स्पिन नहीं करी. दैट ट्रैक्शन यूज करने से टाइम्स कम होते हैं. वाओ, आई थॉट मेरी लॉन्च थोड़ी खराब थी, बट ऐसा नहीं है. 0 टू 60 इन 6.7 सेकंड्स एंड 0 टू 100 इन 16 सेकंड्स. गाइस, ये एक जेन्युइन फिगर है, नॉट स्पीडोमीटर बेस्ड. सो जेन्युइन फिगर में 0 टू 100 16 सेकंड, आई थिंक कंपनी भी ये क्लेम करती है. आई विल डू वन मोर रन, आई विल सी इफ आई कैन इंप्रूव माय टाइमिंग्स, बट दिस इज नॉट बैड फॉर नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 इंजन. सो रीसेट एंड यस, दिस इज अ गुड लॉन्च, दिस इज अ गुड लॉन्च. बेटर मतलब आई मीन बेटर लॉन्च.
यस तो 0-60 वही रहते हैं बट 0-100 15.4 सेकंड्स हो गया. गाइस दिस इज अ रियली गुड आंसर फॉर दोस्त जो सोचते हैं कि शायद पंच में पंच नहीं है. और क्या चाहते हो आप? सेफ्टी फीचर्स डिजाइन दिस इज गुड परफॉर्मेंस फॉर द प्राइस फॉर अ 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन. ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी.